सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक देहात के दिशा निर्देशों का थाना तीतरों प्रभारी द्वारा सख्ती के साथ पालन। अपराध की दुनिया के बादशाह कहे जाने वालों पर थाना तीतरों प्रभारी सतीश कुमार की बड़ी कार्यवाही। थाना तीतरों प्रभारी सतीश कुमार ने अपनी पुलिस टीम के सहयोग से पकड़े दो शातिर चोर। चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त बाइक के साथ चोरी का बेइम्तिहा सामान बरामद। दोनों चोरों पर थाना तीतरों के साथ थाना गंगोह, थाना जनकपुरी, थाना गागलहेड़ी एवं थाना देवबंद में चोरी के बेइम्तिहा मामले दर्ज। उपरोक्त जानकारी क्षेत्राधिकारी गंगोह चंद्रपाल शर्मा ने पत्रकारों को दी। ठीक, थाना तीतरों के अंतर्गत रात्रि 11 तारीख को रात्रि में सूचना मिली मुखबिर से कि दो बदमाश हैं जो कि किसानों के ट्यूबवेलों से तार केबल चोरी करने का काम कर रहे हैं। इस सूचना पर SHO तीतरों ने दो सब इंस्पेक्टर और तीन सिपाहियों को भेजा मौके पर। तो दिखा कर उनको, उनके पास में एक बाइक है बिना नंबर की और दो लड़के संदिग्ध अवस्था में क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में किसानों के ट्यूबवेलों के आसपास उनको मंडराते हुए देखा गया, रोका गया, पकड़ा गया। तो उनके पास से 5 किलो कॉपर का तार जला हुआ प्राप्त हुआ है, एक प्लास बरामद हुआ है, एक दराती, एक सब्बल और एक ब्रांड नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है इन लोगों से। इन लोगों का जब आपराधिक इतिहास खंगाला गया है तो इसमें एक अभियुक्त है प्रदीप उर्फ भूरा, सन ऑफ प्रकाश चंद सैनी है, रहने वाले मोहल्ला महाजनान कस्बा तीतरों का रहने वाला है। इस पर लगभग चोरी के 10 मुकदमे दर्ज हैं। और दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है अनुज सनोफ योगेश, ये नंडेड़ी और देवबंद का रहने वाला है, इसके ऊपर भी 6 मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। सर, जैसा ये चोरी के वारदात लगातार बढ़ रही थी, तीतरों कोतवाली ने लगभग 2 चोरों को पकड़ा है जिन पर लगभग दोनों पर मिलाकर 16 से अधिक मुकदमे दर्ज है, सर इनके खिलाफ क्या किस दायरे में कार्रवाई की जा रही है? इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 379, मुकदमा अपराध संख्या है इसकी 85/22, धारा 379 411 के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ है इनके खिलाफ। और इनकी से और पूछताछ की गई है तो इन्हों और कुछ जानकारी मिलने की इनसे संभावना है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।